दोन बोर्ड म्हणजे लागते फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथ्स प्रिपेरे लागतात बोर्ड एक्झाम. हाँ वो चेंज करता हूँ आज शाम को रिवाइज टाइम टेबल आएगा. हेडिंग डालो ट्रांजिशन एलिमेंट एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट और अपना टेक्स्ट बुक निकाल लो पेज नंबर 165. ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट पहले हम इसमें देखेंगे इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन. अब ध्यान देना डी ब्लॉक जो एलिमेंट होता है वो ग्रुप नंबर 3 से स्टार्ट होता है. ग्रुप नंबर 3 से स्टार्ट होगा और ग्रुप नंबर 12 तक रहता है. पहला जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है वो है स्कैंडियम, फिर है टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe, CO, Ni और कॉपर और जिंक. ये सारे राइट ऑन करो. ये ग्रुप नंबर 12 ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक 3 है ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. यानी इसमें पहला पॉइंट ये होगा कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे वो ग्रुप नंबर 3 से. फर्स्ट पॉइंट ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12 तक होंगे. सेकेंड पॉइंट अगर हम इसके पीरियड्स के बारे में बात करें स्कैंडियम के नीचे होता है हाइट्रियम देन लैंथेनम देन एक्टिनम. तो इसके जो फर्स्ट पीरियड होता है वो होता है फोर्थ पीरियड. फोर्थ पीरियड होगा और ये फिफ्थ होगा और ये सिक्स होगा और ये सेवेंथ होगा. यानी इसका पीरियड जो बिलोंग करेगा पीरियड नंबर 4 to 7 बिलोंग करेगा. थर्ड पॉइंट ये है अगर हम इसका जनरल कॉन्फिगरेशन लिखे बात मत करो. अगर हम इसका जनरल कॉन्फिगरेशन तो इसका जनरल कॉन्फिगरेशन हो जाएगा इन एच टू इन माइनस वन डी ए 0 to 2 लिखे 1 to 10 जनरल कॉन्फिगरेशन इन एच टू 0 to 2 और एन माइनस वन डी 1 to 10. फोर्थ पॉइंट ये होगा स्कैंडियम से लेके जिंक तक हम इसको 3D सीरीज बोलते हैं. स्कैंडियम टू जिंक इज नोन एज 3D सीरीज. क्यों 3D सीरीज बोलते हैं इसको? क्योंकि इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें आता है? अगर हम बोले वाइट्रियम से लेके जिंक के नीचे होता है जिंक के नीचे कैडमियम और कैडमियम के नीचे मर्क्यूरी के नीचे कोपरनियम होता है CN. तो वाइट्रियम से लेके कैडमियम तक इसको हम क्या बोलेंगे? 4D सीरीज बोलेंगे. लैंथेनम से लेके और मर्क्यूरी तक ध्यान देना इसमें बीच में गैप भी आता है. तो लैंथेनम को अगर हम बीच में तोड़ेंगे तो लैंथेनम के बाद हॉफनियम आएगा.
लैंथेनम टू हाफनियम और हाफनियम से लेके जिंक तक, ऐसे लिखना लैंथेनम टू हाफनियम और हाफनियम टू, क्योंकि बीच में यहाँ क्या आता है, ए ब्लॉक आता है ना, यहाँ पे ए ब्लॉक आता है ना, तो उसको हम नहीं बोलेंगे थ्री डी सीरीज। हाफनियम से लेके मर्क्यूरी तक इसको हम बोलेंगे फाइव डी सीरीज। अब ध्यान देना एक्टिनम से लेके, अब यहां जो आता है वो आता है रदरफोर्ड नियम आरएफ, और आरएफ से लेके कोपर नियम तक यहां आता है आरएफ। यहां पर ध्यान देना है यहां पर ए ब्लॉक भी आता है, इसलिए हम उसको अलग अलग सेपरेट लिख रहे हैं। यहां ए ब्लॉक नहीं आता इसलिए हम सेपरेट नहीं लिख रहे हैं, यहां ही ब्लॉक आता है। कोपोनियम में इसको हम थ्री डी सीरीज बोलते हैं। क्यों ऐसा नाम दिया गया है? इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे? इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन इसके इसके, इसीलिए इसका डी का सीरीज ऐसा नाम पड़ा हुआ है। पॉइंट नंबर सिक्स ये है, इसको हम लैंथेनाइड सीरीज क्यों बोलते हैं? व्हाई इट इज कॉल्ड लैंथेनाइड सीरीज, सॉरी व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये होगा व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट, अब देखो इसका हम दो टाइप से आंसर लिखेंगे। पहला जो होगा दी प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट लाई लाई इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। अब ध्यान देना जो इसका प्रॉपर्टीज होता है वो एस और पी के बीच में लाई करता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जानते हैं। या दूसरा हम ये बोलते हैं जिसके अंदर एन माइनस वन डी पार्शियल फिलअप होगा, यानी वन से लेकर नाइन तक फिलअप होगा, टेन नहीं फिलअप होना चाहिए। पार्शियल फिलअप होता है यानी डी टेन नहीं होना चाहिए। अगर पार्शियल फिलअप होता है तो हम उसको बोलेंगे कि वो ट्रांजिशन एलिमेंट है। वो क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट है। इसका मतलब यह हुआ कि जो जिंक वाला है, जिंक कैडमियम और मर्क्यूरी इज नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि इसका डी क्या होता है? पूरा भरा होता है। तो जिंक कैडमियम और मर्क्यूरी इज नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट, इज नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट। जिंक कैडमियम एंड मर्क्यूरी इज नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट। हो गया, ये पॉइंट्स लिख लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट लिखना प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। इसमें पहला पॉइंट लिखना दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट,
दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. क्यों वेरिएबल होता है? क्योंकि वो 3D से भी लूज करता है और खोरे से भी लूज करता है. आयरन प्लस 2 में भी होता है, आयरन प्लस 3 में भी होता है, क्रोमियम प्लस 3 में भी होता है, क्रोमियम प्लस 6 में भी होता है, Mn प्लस 2 में भी होता है, Mn प्लस 7 में भी होता है. तो दोनों जगह सबका इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लूज करता है. इसके वजह से उसमें क्या होता है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है. तो लिख लेना, बिकॉज इट लूज देयर इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इट लूज देयर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Ns एज वेल एज N-1d, इट लूज देयर इलेक्ट्रॉन Ns एज वेल एज N-1d. N-1d पहले वो Ns से लूज करेगा, यानी 4s अगर है तो 4s से लूज करेगा, उसके बाद अगर 3d है तो 3d से लूज करेगा. इसलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है. और ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से उसमें क्या होता है? केटालिक प्रॉपर्टीज होता है, मतलब वो केटलिस्ट की तरह काम करता है. नेक्स्ट पॉइंट लिखना, डी ब्लॉक एलिमेंट एक्ट एज ए केटलिक प्रॉपर्टीज. डी ब्लॉक एलिमेंट एक्ट एज ए केटलिक प्रॉपर्टीज. डी ब्लॉक एलिमेंट एक्ट एज ए केटलिक प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट पॉइंट लिखना, तो केटलिस्ट प्रॉपर्टी क्यों काम करेगा? क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना, दे फॉर्म मेटालिक बॉन्ड. दे फॉर्म मेटालिक बॉन्ड. नेक्स्ट पॉइंट लिखना, दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. They have unpaired electron. That's why it show color and and magnetic moment and also conduct electricity. अब जैसे कॉपर है, कॉपर के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेड क्या होगा? उसके वजह से क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा ना. और क्या होगा? वो करंट फ्लो करवाएगा. अनपेड इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ करंट, करवाएगा. और अनपेड होने की वजह से वो क्या होगा? पैरा मैग्नेटिक होगा, कलर देगा, और उसमें मैग्नेटिक मोमेंट होगा, यानी वो मैग्नेट की तरफ क्या होगा? अट्रैक्ट होगा. होगा ना. नेक्स्ट पॉइंट लिखना, These are very hard, malleable, ductile. वो क्या होते हैं? Malleable होते हैं, ductile होते हैं. Clear हो गया? Next point लिखना, Mercury is a metal which found in liquid state. Mercury is a metal which found in liquid state. तो introduction of properties clear हो गया. अब हम next बात करेंगे physical properties का, radius, ionization enthalpy, ठीक है, melting point, boiling point. तो इसमें पहला हेडिंग डालना physical properties.
पहला लिखना फिजिकल प्रॉपर्टीज में एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस। अब ध्यान देना है, पहले अगर हम स्कैंडियम से लेके जिंक तक बात करें तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है? डिक्रीज होता है। एमएन तक डिक्रीज होगा, एफिसीओ एनआई का लगभग बराबर हो जाता है। और जैसे ही हम कॉपर और जिंक में जाते हैं रेडियस इंक्रीज हो जाता है। यानी स्कैंडियम टू मैग्नीज रेडियस विल बी डिक्रीज आफ्टर दैट एफिसीओ एनआई रेडियस विल बी ऑलमोस्ट इक्वल एंड आफ्टर दैट कॉपर एंड जिंक विल बी इंक्रीज। ऐसा क्यों हो रहा? ऐसा इसका रीजन ये है कि इसके अंदर डी वन आ रहा है, डी टू, डी थ्री, डी फाइव, डी फाइव, डी सिक्स, डी सेवन, डी एट, डी टेन, डी टेन। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो बढ़ने से शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा? शील्डिंग वो अच्छा नहीं करेगा, शील्डिंग वो उसको डिफ्यूज करेगा। डिफ्यूज करेगा तो क्या होगा? उसका रेडियस बढ़ेगा। तो उसका पहले लिख लो, स्कैंडियम टू मैग्नीज, स्कैंडियम टू मैग्नीज, स्कैंडियम टू मैग्नीज रेडियस विल बी डिक्रीज, स्कैंडियम टू मैग्नीज रेडियस विल बी डिक्रीज एफिसीओ और एनआई हैज ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। After that copper and zinc radius will be increased because d electrons will be increased, because d orbitals electron will be increased, d orbitals electron will be increased। अब next ध्यान देना, स्कैंडियम के नीचे वाइट्रियम, वाइट्रियम के नीचे लैंथनम, लैंथनम के नीचे एक्टिनम, जिरकोनियम और हाफनियम। और हम नॉर्मली क्या जानते हैं कि टॉप टू बॉटम रेडियस क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन जिरकोनियम और हाफनियम का रेडियस क्या होता है? सेम होता है। और इसको हम क्या बोलते हैं? लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्यों कम होता है, इक्वल होता है लगभग? जिरकोनियम और हाफनियम का रेडियस बराबर क्यों होता है? इसके अंदर क्या होता है? पुअर शील्डिंग होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। और इसके अंदर वजह से क्या होता है? रेडियस वो खींचता है अंदर की तरफ से, और अंदर की तरफ से खींचेगा तो क्या हो जाएगा? ये बड़ा सब पीरियोडिक टर्म हो चुका है। और नेक्स्ट पॉइंट लिखना, जिरकोनियम एंड हाफनियम हैव इक्वल रेडियस, जिरकोनियम एंड हाफनियम हैव इक्वल रेडियस, जिरकोनियम एंड हाफनियम हैव इक्वल रेडियस बिकॉज ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f14 इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f14 इलेक्ट्रॉन इन हाफनियम, इन हाफनियम। Due to poor shielding effect of 4f14 electron of hafnium, hafnium होता है, zirconium नहीं होता। इसके वजह से क्या हो जाएगा? खींचेगा अंदर की तरफ और उसका रेडियस बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, आयोनाइजेशन इंथेल्पी, आयोनाइजेशन इंथेल्पी। बुक लाए क्या? बुक लाए हो? सबने बुक लाया? लाओ ना, आयोनाइजेशन इंथेल्पी। अब यहां ध्यान देना, आयोनाइजेशन इंथेल्पी
अगर हम नॉर्मली बोले तो लेफ्ट टू राइट आयनस एंथैल्पी क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसमें लिखना आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। और कल से बुक लेके आओ सारे, बराबर है क्या, क्योंकि लिखवाने में जितने टाइम लगे उससे हम डायरेक्ट बुक से ही बताते चले जाएंगे। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट आर इंटरमीडिएट बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक, एस एंड पी ब्लॉक, इंटरमीडिएट बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक। यानी डी ब्लॉक का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो एस और पी के बीच में होता है, यानी एस से ज्यादा होगा और पी से कम होगा। अगर हम बात करें स्कैंडियम से लेके जिंक तक कि उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, एक ग्राफ ड्रॉ करना और इस ग्राफ में यहां लिखना फर्स्ट IE1 फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी और यहां है ट्रांजिशन मेटल। अब यहां ध्यान देना, अगर हम यहां पर ड्रॉ करें तो टाइटेनियम यहां है, भैंडियम नीचे गया, क्रोमियम थोड़ा सा ऊपर गया, Mn और ऊपर गया, उसके बाद आयरन और ऊपर गया, उसके बाद कोबाल्ट यहां आएगा, उसके बाद आता है निकेल और उसके बाद निकेल के बाद है कॉपर, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe, CO, Ni और कॉपर। इसका मतलब हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के हम एक तरीके से नहीं बोल सकते हैं कि उसका ट्रांजिशन एलिमेंट क्या, मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा। टाइटेनियम से वैनेडियम कम होगा, क्रोमियम ज्यादा होगा, मैंगनीज और ज्यादा होगा, आयरन और ज्यादा होगा, कोबाल्ट पे कम हो जाएगा, निकेल पे कम हो जाएगा, कॉपर बढ़ जाएगा। इस ग्राफ को याद रखना पड़ेगा, ड्रॉ कर लिए। बाकी जो ग्राफ और भी दिया हुआ दो, ये हमने 3D के लिए ड्रॉ किया, 4D के लिए, 5D के लिए भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालना मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर। इसमें लिखना लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड वैकेंट डी ऑर्बिटल्स इन आउटर मोस्ट सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटालिक कैरेक्टर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। इसमें लिखना ट्रांजिशन एलिमेंट आर टिपिकल मेटल और दे आर हार्ड इन नेचर। नेक्स्ट लिखना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब ध्यान देने यहां पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मतलब जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसको हम क्या बोलेंगे? अनपेयर्ड अगर इलेक्ट्रॉन है तो क्या बोलेंगे इसको? पैरामैग्नेटिक। अब जिसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड अगर इलेक्ट्रॉन है तो हम क्या बोलेंगे? डाइमैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक क्या होता है? ये क्या दिखाएगा? कलर शो करता है। और डाइमैग्नेटिक क्या दिखाएगा? ये कलरलेस होता है, कलरलेस होता है। अब ये अनपेयर्ड की वजह से ये क्या होता है? मैग्नेट की तरफ क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। जब मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा तो हम इसमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं, न्यू मैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट। और इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर एन इंटू एन प्लस टू, और यूनिट होगा इसका बोर मैग्नेटो, बीएम। अब एन जो होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर हम बात करें, एक एग्जांपल ले कि हमने बोला कि आयरन के बताओ मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, तो सबसे पहले हम कॉन्फिगरेशन निकालेंगे, क्या आएगा? 4H2 और 3D6, क्योंकि आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? अब यहां पर ध्यान देना, यहां 4H2 है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या है? पेयर्ड है। अब यहां पर क्या है? 6 है, तो यहां क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, कितने अनपेयर्ड है? 4। एन का वैल्यू क्या गिरेगा? एन इक्वल टू 4, यहां पर 4 पुट कर देंगे, 4 × 2 = 6 हो जाएगा, और 6 × 4 रूट अंडर 24 आ जाएगा। तो म्यू कितना आ जाएगा? रूट अंडर 24। आगे सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, हम ऑप्शन के अनुसार से चले जाएंगे। तो अगर केटाइन का देगा, जिसे आयरन प्लस 2 का देगा, कॉपर प्लस का देगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लोगे। इन का वैल्यू क्या होता है? इन मतलब नंबर ऑफ, अगर आयरन प्लस 2 का निकालना होता तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते? आयरन प्लस 2 में कितने अनपेयर्ड आते? आयरन प्लस 2 में 2 अनपेयर्ड आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स लॉस कहां से करोगे? 4s से। तो 4s क्या हो जाएगा? 3d क्या होगा? 3d 6 होगा, 6 होगा तो कितने अनपेयर्ड होंगे? 4 ही होंगे। और आयरन प्लस 3 में कितने होंगे? आयरन प्लस 3 में 3 हो जाएंगे, 5 होंगे। पहले लॉस कहां से करेंगे? 4s से, 2 लॉस कर दिए, और 3d से कहां? 3d से एक लॉस करेंगे, क्या हो जाएगा? 3d 5 है, तो अनपेड कितने? 5 निकाल लोगे ना, लिख लो। अब नेक्स्ट हेडिंग डालना कलर, कलर ये लिख लिए। नेक्स्ट हेडिंग डालना कलर, इसमें लिखना ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन एलिमेंट शो कलर। और थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, और अपने टेक्स्ट बुक में देखना पेज नंबर 173 पे, यहां पर कलर लिखा हुआ है। जिसके पास अनपेड नहीं हो कलरलेस होगा, जिसके पास अनपेड होगा कलर लिखा हुआ है। जैसे टाइटेनियम प्लस 3 पर्पल कलर दिखाता है, उसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा वो कलर दिखाएगा। तो स्पेस छोड़ देना और उसको लिखना वहां पे कलर। अब आगे लिखना ट्रांजिशन एलिमेंट शो कलर ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, ट्रांजिशन एलिमेंट शो कलर ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। पहला लिखना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट लिखना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन,
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दूसरा लिखना डी डी ट्रांजिशन, दूसरा लिखना डी ट्रांजिशन। अब ध्यान देना यहाँ पे डी ब्लॉक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ाया था मैंने कि अभी इसका ये डी ऑर्बिटल्स में कितने, डी में कितने ऑर्बिटल्स, पांच, पांचों का एनर्जी क्या है, इक्वल है, पांचों का एनर्जी इक्वल है, जिसको क्या बोलेंगे डी जेनरेसी, क्या बोलेंगे इसको डीजेनरेसी, जहां इक्वल एनर्जी आएगा, जब इक्वल एनर्जी है पांचों का उसको बोलेंगे डीजेनरेसी। अब क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो क्या बनाते हैं, जो लिगेंड है इसके साथ क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की वजह से इसका जो इक्वल वाला एनर्जी है ऑर्बिटल वो दो पार्ट में क्या हो जाता है, स्प्लिट, हमने पढ़ाया था टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल के लिए दो पार्ट में क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, एक का हायर एनर्जी एक का। अब मान लो यहां पर इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहां जम करके जाता है, तो हम बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, डी डी ट्रांजिशन, दैट इज नोन एज डी ट्रांजिशन, यानी इसमें से इसमें जम करके जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं डी ट्रांजिशन। क्लियर हो गया ये, दैट इज नोन एज। अच्छा ये स्प्लिट क्यों हुआ है, लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं तो इसका डीजेनरेसी क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, यहां डीजेनरेसी लॉस हो गया और यहां डीजेनरेसी है, तो डी में से डी में जम करने को हम बोलते हैं डीडी ट्रांजिशन। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना इसका, तीसरा पॉइंट पहला हमने लिखा चार्ज, सॉरी पहला हमने लिखा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दूसरा हमने लिखा डी ट्रांजिशन, तीसरा लिखना चार्ज ट्रांसफर की वजह से भी कलर दिखाता है, और लास्ट में लिखना ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखना कैटेलिक प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट पॉइंट लिखना कैटेलिक प्रॉपर्टीज, इसमें लिखना ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इट्स सो कैटेलिक प्रॉपर्टीज। एग्जाम्पल लिखना MnO2 एक्ट एज ए कैटलिस्ट, MnO2 एक्ट एज ए कैटलिस्ट फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3। हम KClO3 का अगर डिकम्पोज करते हैं तो उसमें MnO2 केमिकल इक्विलिब्रियम में आता था ये, तो उसमें हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो कल हम आगे बुक लेके आओ, समझ में आया क्या, क्योंकि बुक लेके